26 सितंबर से प्रारंभ होने वाले शारदीय नवरात्र पर्व में इस बार डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड भीड़ आने की संभावना है, जहां दर्शनार्थियों की सुविधा, सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर पुलिस विभाग ने थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख रूप से यातायात व्यवस्था और स्थानीय बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए मार्ग व्यवस्था पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ में लगने वाले नवरात्र मेले को लेकर शासन प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है, जहां आम नागरिक, पत्रकार और नगर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से सुझाव शिकायतों पर तत्काल निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पार्किंग में होने वाली अवैध वसूली और चोरी की स्थिति में तत्काल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने की बात कही गई। बैठक में मार्ग को लेकर विस्तृत योजना बनाई गई है। वहीं भीड़ को देखते हुए मेले परिसर और मंदिर मार्ग पर दोपहिया और चार पहिया वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं। 26 तारीख से 4 तारीख तक डोंगरगढ़ में कुंवार नवरात्रि का मेला और नवरात्रि चालू होने वाला है। उसी संबंध में दिशा निर्देश, साथ में ही सुझाव के संबंध में चर्चा की गई है, जिसमें विशेषकर ट्रैफिक को लेकर चर्चा की गई है और आम जनता द्वारा और जन प्रतिनिधि द्वारा एक जो सुझाव आया है, उसमें एक विशेष सुझाव ये है कि लोकल लोगों को असुविधा होती है आने जाने में, तो पुलिस द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड लेकर पुलिस को दिखाएगा तो उनको आने जाने हैं तो किसी प्रकार की मनाही नहीं की जाएगी। और